माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज हम सेल ऑफ गुड्स के एक्ट के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है राइट ऑफ अनपेड सेलर। यहाँ सबसे पहले हमें समझना होगा राइट ऑफ अनपेड सेलर के अंदर अनपेड सेलर क्या है और राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं हु इज़ ए अनपेड सेलर। एन अनपेड सेलर इज़ ए वन टू होम द होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और ए बिल ऑफ एक्सचेंज और सच अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिवन टू हिम हैज़ बीन डिसऑनर्ड। देखो होता क्या है कि सपोज आपने कोई चीज़ सेल की है किसी को, ठीक है ना, आपने किसी को कोई चीज़ सेल की है, तो यहाँ पे आप ये देखें तो सेल के बदले में जो आपको गुड्स मिलेगी तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ पेमेंट भी करना होगा। तो जब आप उसका होल ऑफ द प्राइस नोट नहीं पे करते हो, नोट पेड है, या फिर आप बिल ऑफ एक्सचेंज या कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक वगैरह आप देते हो और वो क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, बोलो, अनपेड सेलर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं द सेलर ऑफ गुड्स इज टर्म टू बी एन अनपेड सेलर, कि जो आपका सेलर ऑफ गुड्स है वो अनपेड सेलर कब कहलाएगा, जब होल ऑफ द प्राइस जो है गुड्स का वो पे नहीं हुआ है या फिर जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है वो डिसऑनर्ड हो गया हो, तो कहीं ना कहीं वो कहलाएगा आपका अनपेड सेलर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो अनपेड सेलर होता है उसको क्या क्या राइट्स होते हैं। तो अनपेड सेलर के जब हम राइट्स पे आते हैं तो यहाँ पे हम ये देखें तो राइट ऑफ अनपेड सेलर्स के अंदर सबसे पहले आपको दे रखा है राइट ऑफ लेन। अब ये जो राइट ऑफ लेन है ये क्या होता है, इसके बाद दे रखा है राइट ऑफ लेन के बाद जो नेक्स्ट आपको दे रखा है वो देखा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट। फिर हम देखें राइट ऑफ लेन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट के अंदर क्या दे रखा है आपको, डिफरेंस दे रखा है। फिर दे रखा है आपको राइट ऑफ रीसेल दे रखा है। तो यहाँ पे जो हम अलग अलग राइट्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप देखें थ्री हमने राइट्स पढ़े, तो ये जो हैं ये राइट्स किसके अगेंस्ट हैं, अनपेड सेलर के, बोलो, गुड्स के अगेंस्ट हैं, जो गुड्स उन्होंने क्या किए हैं, सेल किए उसके रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले जो राइट्स आता है वो आता है राइट ऑफ लेन। राइट ऑफ लेन क्या होता है, द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओनली इफ ही कीप्स पोजेशन ऑफ द गुड्स, कि जब राइट ऑफ लेन तभी अनपेड सेलर यूज में ले सकता है जब गुड्स उसके कब्जे में हो, उसके पोजेशन में हो। दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज व्हेन द बायर इज एबल टू पे बट डज नॉट पे। कभी भी क्या होता है कि बायर उसका पेमेंट करने के लिए एलिजिबल तो है लेकिन वो उसका पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सेलर है वो राइट ऑफ लेन को यूज में ले सकता है। जो राइट ऑफ लेन है कम्स टू एन एंड द मोमेंट पोजिशन ऑफ गुड्स इज लॉस्ट बाय द अनपेड सेलर। राइट ऑफ लेन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो पोजिशन है गुड्स का वो अनपेड सेलर के पास नहीं रहता, तो राइट ऑफ लेन को वो क्या कर सकता है, यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि वो गुड्स जो ट्रांजिस्ट का मतलब है रास्ते में है उसको क्या कर देना, उसको रोक देना। द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट इफ़ ही हैज़ लॉस्ट द पोजीशन ऑफ गुड्स, यदि गुड्स उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गई है रास्ते में है। द राइट कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन द बायर इज इंसॉल्वेंट, कि पहले वाले राइट ऑफ लेन में तो क्या था कि बायर सॉल्वेंट था, पे कर सकता था लेकिन उसने पे नहीं किया। इस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट के अंदर क्या होगा, जी जो बायर है सपोज मान लीजिए उसने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है और उसका जो पेमेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेमेंट के टाइम में क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया और अभी ऐसा लग रहा है कि पेमेंट नहीं हो पाएगा कि बायर की ऐसी कंडीशन नहीं है, वो इंसॉल्वेंट है, तो उस समय वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट को यूज़ में ले सकते हैं। दिस राइट कमेंस ओनली व्हेन द सेलर हैज़ लॉस्ट द पोजीशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे हम ये देखें कि जब बायर आपका इंसॉल्वेंट है तो वो समझ गया कि अब पोजीशन को वापस ले लेना चाहिए, इट इज़ ए राइट टू रीगेन द पोजीशन, तो ये पोजीशन को दोबारा लेने का एक आपका राइट्स है। तो राइट ऑफ लेन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिस्ट हमने समझा। थर्ड राइट क्या था, राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल का मतलब ये हुआ गुड्स आउट ऑफ, सपोज मान लीजिए गुड्स इस तरीके की है जिसको वो पेरिशेबल नेचर्स की है या फिर ऐसी गुड्स है जिसको हमें रीसेल करने में फ़ायदा है। द अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स इफ़ द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, वो पेरिशेबल नेचर की है। ही कैन ऑल्सो मेक द रीसेल ऑफ गुड्स इफ़ ही हैज़ नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल, वो इस समय चाहे तो बायर को पहले नोटिस दे देगा कि जो गुड्स है इस तरीके की नेचर्स की है, मैं आपको सेल नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, उस गुड्स को क्या क्या कर सकता है, बोलो, रीसेल कर सकता है।
सकता है। इफ ऑन रीसेल द सेलर इनकर लॉस ही कैन क्लेम सेम ऑफ द बायर एज ए डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि यदि रीसेल करने पर वो चीज़ हो सकता है कि पहले से कम प्राइस पे जा रही हो या फिर उसमें लॉस हो रहा हो सेलर को, तो उस लॉस को वो रिकवर कर सकता है, जो पहला बायर था उससे रिकवर कर सकता है। इफ़ देयर इज ए प्रॉफिट ऑन रीसेल ही इज ए नॉट बाउंड टू हैंड इट ओवर टू द बायर। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी सिचुएशन चेंज होने के कारण प्राइस चेंज हो गए और कुछ प्रॉफिट हो जाता है, तो उस समय वो जो प्रॉफिट को बायर को जो अनपेड जो था उसको अनपेड वाले केस में उसको वो बाउंड नहीं है हैंडओवर करने के लिए, उस प्रॉफिट को हैंडओवर करने के लिए आपका लायबल नहीं है। तो हमने ये पढ़ा कि जो आपका राइट ऑफ रीसेल है या फिर राइट ऑफ लीन है या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, ये सारे क्या हैं, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स। ऐसे क्या हो सकता है आपका अगेंस्ट द बायर भी हो सकता है, जैसे बायर पर वो कोई मुकदमा कर सकता है, सूट कर सकता है, ठीक है ना। तो या फिर ये हो सकता है सूट फॉर डैमेज फॉर द गुड्स कर सकता है, कोई लॉस हुआ है तो उसको भी वो क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो अनपेड सेलर होता है उसको क्या क्या गुड्स के रिगार्डिंग राइट होते हैं, उनको हमने यहाँ पे समझा इस लेक्चर के अंदर। अब हम ये देखेंगे कि अनपेड सेलर को जो क्या क्या रेमेडीज फॉर ब्रीच, कि यदि ऐसी सिचुएशन होती है कि यदि किसी पर्सन ने क्या किया है, उसका पेमेंट नहीं किया, टाइमली पेमेंट नहीं किया है, तो उसका पैसा रिकवर कराने का क्या है, बायर से क्या है राइट है, तो वो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। तो आप ये देखें, दीज राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर कोड राइट इन पर्सोनम। इसको राइट जो रिमेनिंग है हम उनको राइट इन पर्सोनम बोलते हैं। इफ़ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज़ पासेस द बायर रॉन्गली रिफ्यूजेज टू पे द गुड्स, द सेलर मे सू फॉर द प्राइस। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जो आपके गुड्स के अगेंस्ट जो थे, उसके अलावा जो आपके बायर के अगेंस्ट जो राइट्स हैं उसके अंदर वो क्या कर सकता है, पेमेंट की डिमांड कर सकता है। पेमेंट की डिमांड कैसे कर सकता है, कि जो सूट कर सकता है, मुकदमा कर सकता है, ठीक है ना, कि जो प्रॉपर्टी उसने या फिर जो गुड्स उसने बायर को दिए उस पर वो बायर से मुकदमा करके उसका प्राइस ले सकता है। इवन इफ़ द प्रॉपर्टी गुड्स हैज़ नॉट पास टू द बायर, यदि वो गुड्स की प्रॉपर्टी बायर के पास नहीं गई है, पजेशन नहीं गई है, अनपेड सेलर में सू द बायर फॉर द प्राइस इफ रॉन्गली रिफ्यूजेज टू पे, और वो गुड्स वापस सेलर के पास आ गई है, तो उस सिचुएशन में चाहे तो अनपेड सेलर क्या कर सकता है, उसका पेमेंट ले सकता है। इफ द बायर रॉन्गफुल रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट फॉर द गुड्स, द सेलर में सू द फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। कि कभी कभी क्या होता है, बायर रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर देता है, गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस समय उस पर क्या है, द सेलर में सू हिम फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, कि नॉन एक्सेप्टेंस के कारण भी उस पर क्या कर सकता है, केस कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। फिर नेक्स्ट है, बायर द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, द सेलर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज एग्जिस्टिंग। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का होता है कि जो डेट ऑफ डिलीवरी होती है उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जैसे हम बोलते हैं ना प्री अराइवल, कि पहले वो गुड्स क्या हो जाती है, अराइव हो जाती है, तो उस सिचुएशन में यदि बायर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो ऑर्डर को कैंसिल करता है, तो उसका डैमेज भी सेलर क्या कर सकता है, उससे ले सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे जो आपका राइट ऑफ अनपेड सेलर है वो अगेंस्ट गुड्स भी थे, जो जिसमें हमने 3 राइट्स पढ़े थे, राइट ऑफ लेन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, और हमने अगेंस्ट बायर जो हमने पढ़ा है, सूट करना, मुकदमा करना, सूट फॉर डैमेज करना, सूट फॉर प्राइस करना। फिर सबसे लास्ट में है, इफ देयर इज ए स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड द बायर द टू द इंटरेस्ट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द डेट विच पेमेंट बिकम ड्यू, द सेलर में रिकवर द इंटरेस्ट फ्रॉम द बायर। कभी कभी क्या होता है कि अभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिस डेट पर जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसके बाद उसने पेमेंट नहीं किया है, तो उससे जो भी इंटरेस्ट जो बनता है उस टाइम के लिए, जो भी इंटरेस्ट बनता है, इफ़ देयर इज़ नो सच एग्रीमेंट द सेलर में चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्राइस व्हेन इट बिकम ड्यू फ्रॉम सच डे एज ही मे नोटिफाई टू द बायर। तो ऐसी सिचुएशन में उस टाइम के अंदर जो भी इंटरेस्ट जो बनता है वो इंटरेस्ट वो उसे रिकवर करने का राइट रख सकता है। तो इस लेक्चर के अंदर सेल ऑफ गुड्स के अंदर हमने अनपेड जो आपका सेलर था, अनपेड सेलर्स के जो राइट्स थे, चाहे वो गुड्स के अगेंस्ट थे, राइट ऑफ आपका राइट ऑफ लेन था चाहे गुड्स के अगेंस्ट था, चाहे आपका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट था, चाहे राइट ऑफ आपका
रीसेल था, और इसके अलावा हमने जो अगेंस्ट द बायर हमने जो राइट्स पढ़े, यहाँ पे जो हमने राइट्स को डिस्कस किया, तो यहाँ पे लेक्चर पूरा होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।